वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट होम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एसएसटी ऑफ क्लास टू इन चैप्टर नंबर 8। दिस इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर टू यू। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग आई वॉन्ट टू रिकॉल द मेमोरीज एंड आई वॉन्ट टू जस्ट मेमोराइज द चैप्टर इन शॉर्ट और इन समरी। सो एज यू नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन का मतलब वो माध्यम जिसके द्वारा हम एक दूसरे से टच में रह सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और हम एक दूसरे को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले इसमें है लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं हम सभी को पता है, पत्र। अपने किसी अपने व्यक्ति को अपना मैसेज पहुँचाने के लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम उसको लिखते हैं, अपने जो भी हमें अपनी बात पहुंचानी होती है और हम उसको सेंड कर देते हैं, जिससे जो सामने वाला पर्सन है वो पढ़ लेता है। सेकेंड हम बात करते हैं फैक्स मशीन की। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है, प्रिंटेड मैसेज को सेंड किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेलीफोन की। जो टेलीफोन है ये तो सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है एक दूसरे से बातचीत करने का, जिसको कि अभी आजकल के टाइम में ही और ज़्यादा इम्प्रोवाइज होकर इसने मोबाइल का रूप ले लिया है। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। फिर है मास मीडिया कम्युनिकेशन। व्हेन वी सेंड अ मैसेज टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम देन वी यूज़ मास मीडिया कम्युनिकेशन। जब एक ही टाइम पे हमें बहुत सारे लोगों को कोई मैसेज भेजना होता है तो हम मास मीडिया कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे टेलीविज़न। सपोज़ हमें कोई न्यूज़ हमें जाननी है या कोई न्यूज़ ऐसी है जो कि पूरे अलीगढ़ में वायरल होनी है, तो वो सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर वो टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल पर आ जाएगी तो पूरा अलीगढ़ उसको एक बार में ही देख लेगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा कॉमन मीन्स है कम्युनिकेशन का वो है मास मीडिया कम्युनिकेशन का, वो है टेलीविज़न। अब हम बात करते हैं रेडियो की। तो रेडियो पर हम क्या कर सकते हैं, रेडियो पर हम सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते, बट दिस इज़ ऑल्सो मास मीडिया कम्युनिकेशन। इसके बाद बात आती है न्यूज़पेपर की। ये भी काफ़ी कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें जो न्यूज़ होती है ये प्रिंटेड होती हैं और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आता है। तो चलिए अब हम जो है एक्सरसाइज समझना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आपको सही जो आंसर है उसको पहचानना है और उस पर टिक करना है। द एरोग्राम इज़ यूज टू सेंड मैसेज। जो एरोग्राम है ये मैसेज सेंड करने के काम आता है। पर कैसे, कंट्री में अगर आपको मैसेज करना है तब काम आएगा, स्टेट में करना है तब आएगा, या आउट ऑफ कंट्री करना है तब आएगा। इसका राइट आंसर है आउट ऑफ कंट्री। जब हमें देश के बाहर मैसेज भेजना होता है तब हम एरोग्राम का यूज़ करते हैं। सेलुलर फ़ोन इज़ वेरी मीडियम इन साइज, स्मॉल इन साइज और लार्ज इन साइज। जो सेलुलर फ़ोन होता है इसका साइज़ कैसा होता है, छोटा होता है। तो आंसर विल बी सेकेंड, स्मॉल इन साइज। वी कैन सेंड प्रिंटेड मैसेज थ्रू। अगर अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंटेड मैसेज हम किसके थ्रू भेजते हैं, फैक्स मशीन के थ्रू भेजते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, फैक्स मशीन। एंड एरोग्राम इज़ यूज टू सेंड मैसेज बाय एयर। एरोग्राम जो है मैसेज भेजने के काम आता है, पर किस तरीके से, किसके द्वारा भेजना है, एयर के द्वारा, हवा में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिलिप्स की। वी कैन लिसन न्यूज़ ऑन। अगर हम न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ किस पर सुन सकते हैं, रेडियो पे सुन सकते हैं। हु डिलीवर्स लेटर, पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर। सेलुलर फ़ोन इज स्मॉल इन साइज़। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो सेलुलर फ़ोन है वो साइज़ कैसा होता है, उसका स्मॉल होता है। चिल्ड्रन वॉच कार्टून शोज ऑन। और बच्चे जो है कार्टून शोज किस पर देखते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। पीपल वॉच प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो। लोग जो है वो रेडियो पर प्रोग्राम देखते हैं, यस और नो। सो आंसर विल बी नो, क्योंकि देखते तो टेलीविजन पर देखा जाता है। फैक्स मशीन इज अटैच टू अ टेलीफोन लाइन। फैक्स मशीन टेलीफोन लाइन से अटैच होती है। आंसर इज राइट, ट्रू। द टेलीफोन इज नॉट अटैच टू वायर, फॉल्स। क्योंकि टेलीफोन अगर आपने देखा होगा, लैंडलाइन फोन जो आपने देखे होंगे, तो ये वायर से अटैच होते हैं। वी मस्ट राइट करेक्ट एड्रेस ऑन लेटर्स। हमें जो है लेटर्स पर सही एड्रेस लिखना चाहिए, उसको अगर ऐसे हमें लिखना चाहिए, नहीं तो वो कहीं पर भी पहुँच सकते हैं, कई बार वो डिलीवर भी नहीं होते हैं।
टीवी इज कॉल्ड अ ट्रांजिस्टर, टीवी को ही ट्रांजिस्टर बोला जाता है, सो आंसर इज फॉल्स। अब हम बात करते हैं मैचिंग की, मैच द फॉलोइंग लेटर्स, फैक्स मशीन, सेलुलर फोन, रेडियो, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मैसेज, एजुकेटेड पीपल, पोस्ट बॉक्स, लिसन ओनली, मोबाइल। अब लेटर्स मतलब पत्र, जो पत्र होते हैं वो कहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, पोस्ट बॉक्स में, सो आंसर विल बी पोस्ट बॉक्स। फैक्स मशीन में हम दो बार पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियोस में भी आप जान चुके हैं कि क्या होता है, प्रिंटेड मैसेजेस होते हैं। अब बात आती है सेलुलर फ़ोन की, तो सेलुलर फ़ोन क्या होता है, दैट इज़ मोबाइल। रेडियो, रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हैं, सो लिसन ओनली। एंड न्यूज़पेपर, एजुकेटेड पीपल जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ यू हैव टू लर्न द एक्सरसाइज बाई योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।